इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं महादेवी हायर सेकेंडरी स्कूल मऊ रोड सिधारी आजमगढ़। एडमिशन ओपन। कहा जाता है कि बंदूक से कभी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए वरना बंदूक ले लेती है जान। ऐसा ही मामला जनपद बहराइच के कैसरगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत रमवापुर गांव का है, जहां पर एक महिला की 24 फरवरी को एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। पति द्वारा पुलिस को सूचना दी जाती है कि मेरी पत्नी को किसी अज्ञात व्यक्ति ने गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पीएम के लिए भेज दिया था और जांच शुरू कर दी थी। काफ़ी पुलिस का जो प्रयास रहा वो बहुत सफल रहा। मात्र 72 घंटे के अंदर पुलिस ने उस हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया है। अब आप जानकर ये हैरान होंगे कि आखिर हत्यारा कौन है। पति ही निकला पत्नी का हत्यारा। जब ये बात गांव वालों को पता चला तो गांव पूरा दहल गया कि आखिर पति ने ही कैसे पत्नी की हत्या कर दी। पुलिस ने जब कड़ाई से पूछताछ की तो पति ने अपना जुर्म कबूल किया और वारदात की घटना बताई कि मेरी पत्नी सो रही थी और उसके बिस्तर के नीचे एक बंदूक रखी थी जो मेरे पिताजी ने अपनी सुरक्षा के लिए कहीं से लिया था। मैं उस बंदूक को देख रहा था और उससे मेरा टाइगर दब गया जिससे मेरी पत्नी की गोली लगकर हत्या हो गई। फिलहाल हत्यारे की निशानदेही पर पुलिस ने बंदूक को कब्जे में ले लिया है और हत्यारों को जेल भेज दिया है। आइए बहराइच के जो विपिन कुमार पुलिस अधीक्षक जी हैं इनसे बातचीत करते हैं। वो प्रातःकाल थाना कैसरगंज के रमवापुर गांव में अंजनी पत्नी दीनबंध वर्मा की गोली लगने से मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई थी। ये सूचना उनके पति के द्वारा दी गई थी। पति की तहरीर पर पुलिस द्वारा वहाँ FIR पंजीकृत की गई अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ और इसकी विवेचना की गई। विवेचना से यह तथ्य प्रकाश में आया कि जो पति था वह अवैध असलाह घर में अपने चारपाई में तकिए के नीचे रख के सोता था। घटना वाले दिन पत्नी जगने के बाद से अपने बच्चे को लेट कर दूध पिला रही थी और तकिए के नीचे से ये जो असलाह था उसको उतार के और ऊपर की ओर रख रहा था। उस दौरान ट्रिगर पर इसका हाथ पड़ने से वो गोली अचानक चल गई। एक्सीडेंटली वो पत्नी के नाक पर दाहिनी तरफ और इसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई थी। बाद में पति ने इसको हत्या का रूप देने के लिए उनकी FIR कराई और इस कट्टे को ले जाकर एक तालाब में फेंक दिया था। इनसे सख्ती से पूछताछ करने पर इन्होंने जुर्म इकबाल किया तथा अपनी निशानदेही पर इस कट्टे को बरामद करवाया है, जिसमें अवैध असलाह रखने और गैर निर्धारण हत्या के लिए इनका चालान जो है आज करके न्यायालय में जा रहा है। कप्तान साहब किन धाराओं में मुकदमा लिखा गया है? धारा 302 बनाम अज्ञात था लेकिन इसको तरमीम करके धारा 304 और 25/27 आम सेट किया है। कैमरामैन शकील के साथ अतीक बहराइच। CIBN न्यूज़ की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।